आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट। ठीक, अर्धचालक और लॉजिक गेट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। साथ में हम लोग करने वाले हैं क्या 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 क्या, हाँ मॉडल सेट, मॉडल सेट 2022 प्लस क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। आप कम से कम इतना पढ़ लेते हो, ठीक है, मेरा भरोसा है इतना आप पढ़ लोगे तो आपको लॉजिक गेट और सेमीकंडक्टर में से आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपको, यदि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, पक्की वाली बात है। कोशिश करो समझने का, शॉर्ट टर्म है, क्वेश्चन बैंक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बाइनरी एडिशन ऑफ 1 + 1 इज इक्वल्स टू, ये आपका 2022 का मॉडल सेट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 + 1 का द्विआधारीय योग क्या होगा। तो हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 + 1 1 + 0 1 और 1 + 1 10। तो यहाँ किसका पूछा जा रहा है, 1 + 1 1 + 1, तो आंसर किसके साथ जाएगा, 10 के साथ जाएगा। ठीक है, इस चारों को ध्यान में रखना, 0 + 0 0 + 1 1 + 0 और 1 + 1, चारों को ध्यान रखो, कुछ भी पूछेगा हम बना लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा मॉडल सेट का ही है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है। अब देखो सबका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट वाला दाहिने वाला क्या है, सबका अलग अलग, तो हम 4 का निकाल लेते हैं। ये किसमें है, डेसिमल सिस्टम में, ये हमारा बाइनरी सिस्टम में है, तो डेसिमल सिस्टम का 4 का हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 4 लिख लिए। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितने बार मिलाएगा, 2, बचेगा क्या, 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में लगेगा, 1, बचेगा क्या, 0, अब इसको 2 से डिवाइड करोगे, 0 टाइम्स लगेगा और बचेगा क्या, 1। अब देखो ऐसे इसको समझ सकते हो, 2 × 2 4 + 0 4, 2 × 1 2 + 0 2, 2 × 0 0 + 1 1। तो ये हमारा जो बीच वाला है वो इन दोनों को गुना करके इसके साथ जोड़ देने पे ये बीच वाला आ रहा है। तो हमारा ये क्या, इसको लिखने का तरीका होता है नीचे से ऊपर। तो इसको यदि हम लिखते तो क्या लिखते, 4 का डेसिमल को लिखते बाइनरी में, तो नीचे से लिखना है ऊपर की तरफ, तो 100 और इसका बेस क्या हो जाएगा, 2, तो 100 बेस 2, सही है। क्या रहा हमारा, ओ आर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द ओ आर गेट। ओ आर गेट होता कैसा है, कुछ ऐसा, यहाँ हमारा ए, यहाँ हमारा बी, और ये जो बाहर निकलता है वो हमारा होता है a+b, ऐसा। तो यहां से यदि ए गया और बी गया बाहर, वाई की जगह पे मान लो हम सी लिखते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, a+b, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही होगा, ये वाला। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, वही वापस से उसी तरीके से करेंगे, निम्नलिखित से कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब क्या है इसमें कॉमन, सबका राइट हैंड साइड दाहिना वाला क्या है, सेम है, तो 12 का कर लेते हैं, 12, 12, 2 से 6, 6 × 12, बचेगा क्या, 0, फिर 2 से 3, 3 × 6, पुड़ गया 0, फिर 2 से एक बार लगेगा और बचेगा क्या, 1, फिर इसको 2 से करेंगे तो 0 बार में लगेगा, बचेगा क्या, 1। देखो गुना करके, 6 × 12 12 + 0 12, 3 × 6 + 0 6, 2 + 2 2 + 1 3, 2 × 0 0 + 1 1। तब यहां से कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर, तो लिख लेते हैं कितना, किसको, 12 को 12 को 12, 12 बेस हमारा कितना, 10, इसको लिखा जा सकता है बराबर 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 किसके साथ है, तो हमारा ये सही है, बाकी सब गलत है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट।
पता है हम लोग को तीन ही फंडामेंटल गेट होते हैं, कौन कौन सा? ओआर गेट और हमारा और तीसरा नॉट गेट। तो तीनों किसमें है? एंड इसमें है, ठीक है, ओआर भी है नॉट भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। क्या कह रहा है? ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप का अर्धचालक कैसा होता है? धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज या अनचार्ज अनावेशित क्या होता है? तो देखो अर्धचालक चाहे पी हो चाहे एन हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो पी हो चाहे वो एन हो, ना ही ये आवेशित होगा, मतलब इसको कह सकते हैं ये भी अनचार्ज होता है ये भी अनचार्ज होता है। वैसे अर्धचालक पी या एन टाइप का बनते कैसे हैं? सिंपल सा, हमारा एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, इसमें जब हम क्या बोलते हैं पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट को, जब हम इसमें पेंटावेलेंट को जोड़ते हैं, पेंटावेलेंट का मतलब क्या, जिसके बाहरी कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेंटावेलेंट कहते हैं, और या इसमें जोड़ दो ट्राइवेलेंट को, मतलब जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो पेंटावेलेंट के जोड़ने के कारण ये बनता है हमारा कौन सा, एन टाइप का, और जब हम ट्राइवेलेंट जोड़ते हैं तो हमारा बनता है ये पी टाइप का। तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट कोई भी होगा, ये भी क्या है हमारा न्यूट्रल होता है उदासीन, ये भी हमारा अनचार्ज होता है सेमीकंडक्टर भी अनचार्ज, तो चाहे पी बने चाहे एन बने कोई भी सेमीकंडक्टर बने तो हमारा वो क्या होगा, अनावेशित ही होगा, ठीक है। तो ये अनावेशित वगैरह धनावेशित ये सब पे नहीं जाना है, किस पे जाना है, अनचार्ज के ऊपर जाना है, अनावेशित, सॉरी अनावेशित, चलिए। डोनर इम्प्योरिटीज एटम हैच वैलेंसी, जो डोनर एटम होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं दाता होते हैं, दाता के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तब तो हमारा वो देगा। तो हमारे पास दो टाइप के हमारे डोनर होते हैं, एक हमारे होते हैं पेंटावेलेंट और दूसरा हमारा होता है ट्राइवेलेंट। तो पेंटावेलेंट में कितने, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ट्राइवेलेंट में बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा जो पांच है, चार इसका बॉन्डिंग में जाएगा और एक इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा, तो जो हमारे पेंटावेलेंट होंगे वो क्या होंगे, डोनर होंगे, और जो हमारे ट्राइवेलेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्सेप्टर होंगे। तो हमारे जो डोनर कौन होगा, पेंटावेलेंट, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पांच होने चाहिए, तो हमारा ये होगा पांच। यदि थ्री की बात करते हो, थ्री किसके लिए होता है, ट्राइवेलेंट के लिए, एक्सेप्टर जो हमको इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो अब दाता वाला कौन होगा, दाता वाला पेंटावेलेंट, मतलब पांच वाले होंगे। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द नॉर गेट इज, नॉर गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ये 2021 में भी पूछा है, 16 में भी और 15 में भी पूछा है। तो नॉर गेट का मतलब क्या होता है, ओ आर प्लस नॉट। तो ओ आर गेट कैसा बनता है हमारा, याद होगा ओ आर गेट होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू, चलो वाई मान लिए, अब प्लस क्या करना है, नॉट करना है, मतलब वाई का नॉट, यही होगा हमारा कौन सा, ये हमारा क्या बनाएगा, नॉर गेट बनाएगा। तो नॉर गेट का यदि हम इसके हिसाब से चले तो इसका यदि लिखा जाए तो ये हमारा क्या बनाएगा, प्लस कितना, तो ये हम कह सकते हैं ए प्लस बी, इसको ऐसे लिखा था ऊपर टिक्की, तो मतलब ऐसा इज इक्वल्स टू वाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इतना, द्विक आधारीय संख्या इतना का किसमें बदलना है, दशमिक संख्या में बताना है, मतलब द्वि आधारीय दिया हुआ है कौन सा, 1001, ये इसका आधार क्या है, दो है, तो इसका किसके आधार में बताना है, दस के आधार में बताना है, आराम से समझेंगे, एक बार समझ गया बात खत्म है। तो इसको कैसे करना है, 1001, इसको ऐसे काम करना है, पहले वाले के साथ पावर जीरो, इसके लिए दो का पावर एक, इसके लिए दो, और लास्ट वाले के लिए,
अब इसके और आगे जाता तो और आगे लिखते, अब इसको लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, देखो लिखते जाओ, 1 × 2³, 1 × 2³, 3, ऐसे, फिर क्या है 0 + 0 × 2 पर कितना चल जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर ये हमारा 0 और ये 1, तो इसको लिख सकते हैं 0 × 2⁻¹, और ये 1 × 1 × 2, अब ये कितना हो गया, ये 1 × 2⁻³, मतलब 8, ये 0 से गुणा किए चलो 0, इसको भी 0, और ये हमारा हो गया 2⁻⁰, कितना होता है 2⁻⁰, 1, तो 1 × 1 = 1, ये हमारा कितना हो गया 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ होगा, तो कितना 10 आधार यदि लिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 किसके साथ है, इसके साथ है, आसान है। अब निकालना चाहो तो प्रैक्टिस करने का पॉइंट ऑफ व्यू से आप 25 का भी निकाल के देख सकते हो कि हमारा बाइनरी सिस्टम में क्या होगा, या 3 का या 12 का। अब क्या रहा, पी पार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, द मेजोरिटी कैरियर करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता था, सेमीकंडक्टर प्लस पी बनाने के लिए हमको इसके लिए क्या यूज करना पड़ता था, ट्राइवेलेंट, और यदि हमको एन बनाना है तो हमको यूज करना पड़ेगा सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट, मतलब ट्राइवेलेंट जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, पेंटावेलेंट जिसमें 5 हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसमें, सॉरी इस एन वाले टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 4 हमारा बॉन्डिंग में होता है और 1 हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, लेकिन 3 ही इसके पास है, तो इसके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसके लिए यहाँ पे पी वाले केस में होल होते हैं हमारे, और इस वाले केस में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं पी टाइप में हमारा जो करंट कैरियर होता है या आवेश वाहक जो होता है पी वाले केस में, वो होते हैं होल, या उसी को कहते हैं वीवर, या एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, पी वाले, तो पी वाले में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन तो एन वाले के लिए होता है, तो ये हमारा किसके लिए होगा, पी के लिए होगा, होल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होगा। चलिए क्या पूछा जा रहा है, लॉजिक गेट शो इन द फिगर, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट कौन सा है, तो चलो हम तीनों बेसिक गेट को याद रखना है अपने को। तो सबसे पहला है ओआर गेट, ओआर गेट कैसा बनता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आउटपुट हमारे होते हैं A+B, ये हमारा A, ये हमारा B। उसके बाद AND गेट कैसा बनता है, यहाँ Y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, AB, ये A, ये B। उसका तीसरा हमारा बेसिक गेट है NOT गेट, ये हमारा A, ये हमारा Y = A′। तो इसमें किसके साथ मिलता हुआ दिख रहा है, ये AND के साथ मिलता चल रहा है, तो AND हमारा सही होगा, तो ये हमारा सही होगा, बाकी भूल जाओ। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 25, दशमिक संख्या 25 को द्वि आधारीय संख्या में लिखे, 25 को लिखना है किसमें, द्वि आधारीय में, चलिए लिख लेते हैं, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन किए हैं, ये तीसरा सही, 25 को दोनों साइड लकीर खींचे, 2 से करेंगे कितनी बार, 12, 12 × 24, 1 × 25, मतलब 1 यहाँ, फिर 2 से देंगे 6, 6 × 12, बचेगा क्या, कुछ नहीं 0, फिर 2 से देंगे 3 × 6, बचेगा क्या 0, फिर 2 से देंगे 2 × 2, बचेगा क्या 1, फिर 2 से देंगे 0 टाइम लगेगा, ये बचेगा 1। इसको लिखना कैसे होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम लिखते 25, आधार क्या है इसका 10, और यहां से क्या बचा 1 1 0 0 1, और इसका आधार हो जाएगा 2, तो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, हमारा आंसर सी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या है क्या है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर, ताप के बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता या बढ़ता है,
स्वाभाविक है ताप टेम्परेचर बढ़ेगा तो रसिस्टेंस उसका क्या होगा, घटेगा, तो डिक्रीज करेगा। 13 का चलिए नेक्स्ट हमारा है द इंप्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप जर्मेनियम इज। अब हमको कह रहा है कि बताइए भाई एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य क्या होगा। तो जर्मेनियम को किस टाइप का बनाना है, एन टाइप का बनाना है। तो जर्मेनियम हमारे पास है, इसमें हमको क्या रिजल्ट चाहिए, एन टाइप। तो इसके लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा, जिसके पास पांच वैलेंसी होगी। एन टाइप का बनता है जब पांच वाला होता है, और पी टाइप का बनता है। यदि हमको पी टाइप बनाना होता तो हमको क्या मिलाते इसमें, इसमें हम क्या मिलाते, जिसके पास थ्री होगा। तब इसमें कौन सा आंसर होगा, टेट्रावेलेंट चतुर्संयोजी, नहीं। ट्राइवेलेंट हमको एन बनाना है तो ट्राइवेलेंट से पी बनता है, तो एन हमारा बनेगा नहीं। पंचसंयोजक पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट पांच वाला सही तो एन बनता है, तो पेंटावेलेंट सही, नन ऑफ दिस गलत। फुल वेव इलेक्ट्रिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। फुल वेव इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब पूर्ण तरंगीय दृष्टिकरण में यदि निवेशित आवृत्ति कितनी 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। याद होगा हम लोग दो टाइप का जानते हैं, एक हमारा होता है हाफ वेव, हमारा एक क्या होता है फुल वेव होता है। तो हाफ वेव में बात करें तो हमारा कोई भी एसी जो होता है ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यदि हम हाफ वेव की बात करते तो हमारा कैसा निकलता बाहर, ये हमारा एसी ऐसे ही चलता है। तो हाफ वेव में कैसा निकलता, नीचे वाला कैंसिल हो जाता सिर्फ ऊपर वाला चलता है ऐसा, ठीक है। यदि हम फुल वेव की बात करें, फुल वेव की हम बात करते तो क्या होता, फुल वेव में हमारा ठीक है आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल पर सेकंड। मान लो कि जब ये बहादुर था जो हमारा ओरिजिनल है वो एक सेकंड मान लो इतना कंप्लीट किया, ठीक है। तो कितना, एक साइकिल को कंप्लीट किया एक सेकंड में। अब उस नहीं के लिए हम बात करते तो फुल वेव इलेक्ट्रिफिकेशन केस में एक सेकंड में ये इतना कंप्लीट किया, तो एक सेकंड में ये भी इतना कंप्लीट किया, तो ये कितनी बार, दो साइकिल कंप्लीट किया, और ये कितनी साइकिल को कंप्लीट किया, एक साइकिल को कंप्लीट किया, जबकि इसने कितने, यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट, वापस से ये खुद को यहां से रिपीट करेगा तो दो साइकिल कंप्लीट किया। और इस केस में कितना, तो यहां से कह सकते हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी फुल वेव है हमारा, फुल वेव इलेक्ट्रिफिकेशन में, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारा कितना आधे समय में ही क्या कर लिया, वो साइकिल को कंप्लीट कर लिया, तो पूरे से एक सेकंड में कितना, दो गुना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो सिंपल सा कह सकते हैं 2 × 50 मतलब 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज किसके साथ है, इसके साथ है। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब क्या होता है, एन ए एन डी नैंड मतलब ए एन डी प्लस नॉट, यही ना, ए एन डी का मतलब, और इसके साथ इसको नॉट करना है मतलब क्या करेंगे, ए डॉट बी के ऊपर डंडी मार देंगे। तो ए डॉट बी के ऊपर डंडी मार देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 16 का। चलिए 17 क्या कह रहा है, गिवन सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। अब ये क्या दर्शाता है, इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये हमारा क्या होता है, इमीटर होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा कलेक्टर होता है। और डायरेक्शन मैक्सिमम जब सर्कल के अंदर दिखाएगा तो डायरेक्शन जो भी दिखाएगा इमिटर और बेस के टर्म में दिखाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो बेस से बाहर जब जा रहा होगा तो मतलब ये क्या है, करंट इस साइड से आया होगा
और इस साइड से जा रहा होगा। हम लोग पढ़े हैं क्या एन पी एन या पी एन पी। तो हमारा जो ये हमारा फर्स्ट वाला एमिटर, दूसरा वाला बेस, तीसरा कलेक्टर, तो बेस कलेक्टर। तो हमारा जो इमीटर और बेस होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, जबकि हमारा बेस और कलेक्टर जो होता है वो हमारा किस में होता है, रिवर्स बायसिंग में। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम क्या करते थे, इस वाले को पॉजिटिव से जोड़ते थे और हमारा पी वाले को पॉजिटिव से और एन वाले को निगेटिव से। तो पी वाले को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो करंट ऐसा आएगा और यहां से निगेटिव का मतलब है ना कि बाहर जाएगा, तो निगेटिव से जोड़ेंगे तो बल्ब कुछ बाहर जाएगा, तो इधर से अंदर आए और इधर से बाहर गए, तो ये हमारा किसके हिसाब से चलेगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और यदि हम इसकी बात करते तो हमको यदि ये बात किया जाता कि पी वाला और एन ये कैसे फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, तो पी वाला किससे, पॉजिटिव वाले से, और एन वाला हमारा किससे, निगेटिव वाले से, इससे बाहर निकलना है। तो हमारा क्या होता, यहां से प्लस से जुड़ता तो ये हमारा अंदर तरफ, ये बाहर की तरफ, ये किस तरफ है, ये जा रहा है इमीटर की तरफ, मतलब एन से ये इमीटर से बाहर निकलेगा। और इसमें क्या है, इमीटर से अंदर आने वाली बात, अंदर तो आ नहीं रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया एनपीएन। तो एनपीएन कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। क्या रहा फॉर बाइनरी नंबर, इतना दी नंबर इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी, द्विआधारीय अंक इतने को दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। चलिए फिर से एक क्वेश्चन इससे पहले किए हैं, 10101 इसको करना है, तो इस पे क्या करेंगे, 0 इस पे, 1 इस पे, 2 इस पे, 3 और इस पे हमारा 4। अब लिख लेते हैं आराम से, तो 1 इंटू टू पावर 4 प्लस 0 इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 0 इंटू प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 इतना। अब ये कितना हो जाएगा, 2 दो चार चार दुनिया 16 16 16 16 16 प्लस ये हो गया 0, ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 1, ये हो गया कितना 20 21 21। तो इसको हम लिख सकते थे आंसर क्या होगा इसका, 21। क्या रहता है, सेमी कंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम इतना टू इतना देन इट्स रेसिस्टेंस विल, जब हम कूल कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर को नीचे लेके जा रहे हैं, तो याद एक रखना है कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होता है। तो स्वाभाविक है टेम्परेचर को जब कम करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है इंक्रीज करेगा। 20 करेगा। चलिए क्या कह रहा है, इफ द करंट कांस्टेंट, इफ द करंट कांस्टेंट फॉर द ट्रांजिस्टर अल्फा बीटा, मतलब ट्रांजिस्टर का क्या है, धारा नियतांक अल्फा और बीटा दिया गया है, तो बताइए अल्फा बीटा में क्या है सही इस चारों में से। तो हम लोग जानते हैं अल्फा बराबर क्या होता है, आई सी बाई आई ई, और बीटा बराबर क्या होता है, आई सी बाई आई पी, ठीक है। और अल्फा जो होता है हमारा लेस देन वन होता है, और बीटा हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। तो इतने से अपना कहानी तो हो जाना है, अल्फा और बीटा, अल्फा लेस देन वन, बीटा ग्रेटर देन वन, तो इसके साथ अपन जाएंगे एकदम हंसी खुशी। डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का उपयोग करते हैं किसकी तरह करते हैं, एम्पलीफायर की तरह नहीं करते हैं, ऑसिलेटर की तरह नहीं करते हैं, मॉड्यूलेटर की तरह भी नहीं करते हैं, किसकी तरह करते हैं, रेक्टिफायर या दृष्टि कारक की भांति करते हैं हम लोग। ट्रुथ टेबल सोन इज, अब इसमें बताना है कि भैया इस चारों में से कौन सा ट्रुथ टेबल इसको फॉलो करता है, ठीक है। यदि हम ओ आर गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो यदि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा वाई है, तो ओ आर गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होगा, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, ये हमारा किसका है, ओ आर गेट का है। क्या इसके साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब यदि हम बनाते हैं ए एन डी गेट का, तो ए
एंड गेट का यदि हम बनाएंगे तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा वाई, ये 0 0 0 0 1 जीरो और 1 0 0 और ये हमारा जी 1 1 1, तो ये 0 0 0 1 नहीं है। तीसरा हमारा, चलो नॉर गेट का बनाते हैं, तो नॉर गेट का बनाएंगे तो हमारा और का ये है, तो इसका नॉर क्या होगा, वाई डैश कितना होगा, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 और 1 का 0, ये भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा सही होगा, नन ऑफ दिस। ये है किसका, यह है एक्स ओ आर का, एक्स ओ आर का, यह नहीं है। तो डेसिमल नंबर 27 कैन बी रिटेन इन बाइनरी नंबर, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग फोकस करोगे इसको समझने का, समझ जाओगे बना डालोगे। तो 27 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में दिया हुआ है और इसको किसको लिखना है, दो के आधार के हिसाब से, तो 27 को लिख लेते हैं ऐसा ऐसा, दो से भाग देंगे 13, 26 और 1 27, दो से देंगे 6 दुनी 12 1 13, दो से देंगे 3 दुनी 6 0, फिर दो से देंगे 2 इकाई 2 1 3, फिर दो से देंगे 0, अब बचा क्या 1, इसको नीचे से ऊपर लिखना है, लिख लेते हैं क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 1, ये हमारा आंसर 25। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन इमिटिंग करंट एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा, तो इसमें से कौन सा सही होगा। देखो एनपीएन यदि हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसा, एनपीएन यही हमारा ट्रांजिस्टर है एनपीएन, तो हमारा ये हमारा क्या होता है, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर और बेस कैसे जुड़े होते हैं हमारे फॉरवर्ड बायस में, मतलब इस पे ये पॉजिटिव जुड़ा होगा तो करंट इधर से आएगा और निगेटिव है तो मतलब करंट इधर से जाएगा, और हमारा कलेक्टर कैसा जुड़ा रहता है, कुछ ऐसा रिवर्स बायसिंग में जुड़ा हुआ रहता है हमारा, ये रिवर्स बायसिंग में है, ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, इमिटर और बेस हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, जबकि बेस और कलेक्टर हमारा रिवर्स बायसिंग में जुड़ा हुआ होता है। इसका यदि हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा ही बना सकते हैं, ये हो गया हमारा कौन सा, इमिटर का करेंट, ये हमारा हो गया अंदर जा रहा है, ये हमारा हो गया बेस का करेंट, ये हमारा हो गया कौन सा करेंट, कलेक्टर का करेंट। तो यहां से भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो ऐसा तो कोई है नहीं, है नहीं, तो चलो देखते हैं IC बराबर क्या लिखा जाए, IC बराबर I माइनस IB, यहाँ चलो IC बराबर यहां से लिख कर क्या लिखते हैं, IE माइनस IB, तो हमारा ये हो जाता सही। फिर थोड़ा सा और एक चीज देखते हैं, जब ये आ ही गया है तो देखते हैं अल्फा और बीटा में रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो IE इज इक्वल टू कितना, IE बराबर IB प्लस IC, दोनों साइड हम क्या किए IC, दोनों साइड हम क्या किए IC से भाग कर दिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, बाई IC बाई IC और इसको भी IC से भाग कर, ये क्या बच गया हमारा, इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 बाई IC बाई IE इज इक्वल्स टू कितना 1 बाई IC बाई IB और ये हमारा कितना हो गया प्लस 1। अब यहां से लिख रहा हूं ये हमारा कौन सा था, अल्फा था, पीछे लिखे थे यही था ना इमीटर वाला, 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा प्लस 1। एक ये इक्वेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है, पूछ सकता है। दूसरा अब अल्फा की वैल्यू यदि हमको निकालेंगे तो क्या करेंगे, चलो 1 बाई अल्फा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस बीटा बाई बीटा, 1 प्लस बीटा बाई बीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई 1 प्लस बीटा, ठीक है। अब यदि हम मान लो बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बीटा को एक साइड रखो, 1 बाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा तो 1 बाई अल्फा माइनस 1, तो इसको और लिखते 1 बाई बीटा बराबर 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा,
तो यहां से बीटा बराबर क्या हो जाता, अल्फा बाई वन माइनस अल्फा लिखा जा सकता है, बीटा बराबर वन माइनस अल्फा ऊपर गया वन माइनस अल्फा बचा, तो ये को भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है इसमें। सही तो हमारा ये हो गया, कहानी खत्म है।